आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए, एक आदर्श व्यक्ति बनाइए। कैसा जीवन है? एक दादाजी को बच्चा जवाब दे देता है, क्या संस्कार है आपके घर में? विचार करिए, सोचिए। आप एक दादाजी को बच्चा जवाब दे रहा, मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी ये जवाब दे रहा है आपको। बोले क्या करूं महाराज, सुनता ही नहीं है। एक बोलो तो हजार सुनाता है। मैंने कहा तुम कैसे दादाजी हो? बोले महाराज पूरे जीवन में मेरे बच्चे ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया होगा, ये पोता मुझे जवाब देता है। मैंने कहा एक काम करो, जब ये तुम्हें अनर्गल बोले हो, जब तुम्हें जवाब दे, एक चाटक गाल में जोर से बच्चे को मार देना चाहिए। बोले महाराज कई बार मन होता है लेकिन मारने की हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे डर लगता है कि बच्चा पलट के मुझे चाटा ना मार दे। आप सोचिए, विचार करिए, क्या संस्कार दिए हैं आपने? अरे तुम्हें दादाजी होने का हक किसने दे दिया कि एक पोते से आपको डर लगता है? नहीं मेरे भाई, ऐसे बच्चे एक आदर्श व्यक्ति तो नहीं बन सकते हैं। यदि एक दादाजी और एक बाप अपने बच्चे से कुछ कहने में डरता है तो समझना वो ऐसे आत्मघाती संस्कार दे रहा है कि आज बच्चा माँ बाप पर धौंस जमाता है, कल मोहल्ले में जमाएगा, परसों समाज में जमाएगा, और एक दिन तुम्हारा बेटा आदर्शवादी बेटा तो ना बनेगा बल्कि आतंकवादी बेटों में उस बच्चे का नाम शामिल हो जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है, इतनी जुर्रत बच्चे की नहीं होना चाहिए कि वह माँ बाप को पलट करके जवाब दे सके। ध्यान रखिए, कैसे होगा ये? जब पति पत्नी रात दिन झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब आप अपने माँ बाप को जवाब देंगे तो औलाद भी तुम्हें जवाब देगी। ध्यान रखिए, बच्चे वही करते हैं जो तुम करते हो। आप सोचते हो कि बुढ़ापे में हमारा बच्चा हमारी सेवा करे, एक अच्छा बेटा बने? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आज से ही अपने घर में बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाइए। हरे मैं कहता हूं कि अपनी भाषा पर विशेष ध्यान दीजिए। आदमी इतनी अनर्गल भाषा बोलता है कि वह भाषा एक दिन उसकी आदत बन जाती है, और ये आदत ब्लड में जाकर के घुल जाते हैं संस्कार, फिर वही उसकी जिंदगी बन जाती। आदर्श व्यक्तित्व बनिए, भाषा का एक आदर्श होना चाहिए। ऐसा परिवार बनाओ, ऐसा माहौल बनाए माताएं कि बड़ों से ही आप कहना ना सीखे बल्कि बच्चों से भी आप कह करके बातें करें, बच्चों में भी जी लगा करके बातें करें। अरे बच्चों की बात तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे घर में जो नौकर रहता है ना, उससे भी इज्जत से पेश आइए। इज्जत से पेश आएंगे ना तो नौकर ये नहीं कहेगा कि हर साल मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, यदि सम्मान दोगे तो उतनी तनख्वाह में भी आनंद के साथ जी लेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपका सत्कार करेगा। इज्जत से पेश आइए, ऐसे शब्द ना बोले। मैं बड़े आदर के साथ बहुत बहुमान देता हूं कि जैन समाज में एक समाज ऐसी है जिसने आज भी अपनी भाषा की सभ्यता नहीं खोई है, और इतनी अच्छी भाषा उनके घरों में बोली जाती है। मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश में घूमा करता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि जैन समाज में खंडेलवाल जैन समाज वो समाज है जहां बोली में आदर्श हुआ करता है, बोली में सभ्यता हुआ करती है। अरे बड़े तो बड़े, वहां तो साफ लगा करके बात की जाती है, वहां तो अच्छे शब्द बोले जाते हैं, वहां काका जी नहीं कहा जाता है, काका साहेब कह करके बुलाया जाता है। और तो और, वहां ऐसा कल्चर है, उनकी ऐसी संस्कृति है, ऐसी पढ़ी लिखी समाज है कि ड्राइवर को भी ड्राइवर कह के नहीं बुलाते हैं, उसे भी ड्राइवर जी कह करके आवाज दिया करते हैं। ये सभ्यताएं सीखिए। आप कैसा बोलते हैं अपने घर में? इज्जत से बोलेंगे तो बच्चा भी इज्जत से बोलेगा। ध्यान रखिए मान्यवर, किसी आदमी को क्या चाहिए? दो मीठे शब्द चाहिए, और क्या चाहिए? तुम्हारे घर कोई आ जाए, मैं कहता हूं चाय फीकी हो तो चल जाएगी, आदमी की वाणी बड़ी मीठी होना चाहिए। मीठी वाणी होगी, वाणी अंतरंग का दर्पण हुआ करती है। आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे आपके स्तर का पता चलता है, जिन भाषा का आप प्रयोग करते हैं उससे आपके चिंतन का पता चलता है। यदि आप असभ्यता भरी बातें बोलते हैं तो समझ लीजिए हमारा स्तर बहुत गिरा हुआ स्तर है। अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, नौकर से भी आप कहकर और जी लगाकर बात करना सीखिए। यह बच्चों की परवरिश करना। अभी नदी किनारे देखना,
जो पेड़ नदी किनारे अकड़ के खड़े रहते हैं, बाढ़ आती है जड़ सहित उखाड़े जाते हैं। और जो लताएं झुकना जानती हैं, कितनी भी बाढ़ आ जाए वह झुक जाती हैं, बाढ़ शांत हो जाती है, लताएं फिर लहराने लगती हैं। ध्यान कर झुक कर जी, झुको। झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला है। जो अकड़ता है ना, उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। ध्यान रखना, जो झुकेगा वही जिएगा। झुक करके जिए। मान्यवर, जो काम अकड़ के नहीं होते वो काम झुक के हो जाते हैं। थोड़ा सा घर में झुकने की कला आ जाए, बड़ों के सामने झुकने की कला आ जाए, 90% समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। महाभारत हुई अकड़ के कारण, रावण का सर्वनाश हुआ अकड़ के कारण, कंस बर्बाद हुआ अकड़ के कारण, लादेन की दुर्दशा बनी अकड़ के कारण। ध्यान रखना, और जीवन में जितनी भी हमने अच्छी अच्छी उपलब्धियां छोड़ी हैं वह अपने अहंकार के कारण छोड़ी हैं। ध्यान रखना, एक घर उजड़ता है तो अकड़ के कारण। वो दो आदमी आपस में कभी नहीं लड़ते, जब भी लड़ते हैं तो दो अहंकार आपस में लड़ा करते हैं। दो समाज आपस में नहीं लड़ती, उनका अहंकार लड़ा करता है। दो धर्म आपस में नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है। और हिंदू मुस्लिम कभी आपस में नहीं झगड़ते, उनके अहंकार आपस में झगड़ा करते हैं। 13 और 20 पंथ आपस में कभी नहीं लड़ते, उनकी अकड़ लड़ा करती है। ध्यान रखना, इसलिए मैं कह रहा हूँ झुक कर जियो, झुक कर जियो। हम तो वो हैं जिस पंथ में जाते हैं उसी पंथ में सम्मान पा जाते हैं। ध्यान रखिए, कोई 13 पंथी मंदिर में बुलाता है तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, 20 पंथी बुलाता है वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, श्वेतांबर बुलाए तो वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, और तो और कोई गुरुद्वारे में बुलाए तो हम वहाँ भी सम्मान से जाते हैं, चर्च में बुलाए तो सम्मान से जाते हैं, और तो और मेरे भाई शिरडी के मंदिर में भी बुलाए तो हम सम्मान से वहाँ भी पहुँच जाया करते हैं। ये झुकने की कला है। अकड़ो मत, मुँह मत फेरो, अहंकार में मत जियो। विनय के विमान में बैठ कर मोक्ष की यात्रा होती है, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा कभी नहीं हुआ करती है। विनय के विमान में बैठ क्या फर्क पड़ता है, किसी से झुक के मिल लिए तो बिगड़ता क्या है, अपना क्या जाता है। एक बात याद रखना, जो पहाड़ पर चढ़ता है ना, जो पहाड़ पर चढ़ता है वो झुकता है, और जो उतरता है वो अकड़ता है। झुकने वाला ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, अकड़ने वाला कभी नहीं पहुंचता है। माता पिता के चरण छूते हो तो मत सोचना कि तुम उनका सम्मान कर रहे हो, हकीकत में तुम अपने आप का सम्मान कर रहे हो जो माता पिता के चरण को छू, इसमें तुम्हारा सम्मान है। सास ससुर के चरण छूओ तो सास ससुर का सम्मान नहीं, एक विनयवान बहू का सम्मान हुआ करता है। और अपने समाज में बड़े बुजुर्गों के चरण छू लो तो मान उनका नहीं बढ़ता, मान अपना बढ़ जाता है, बहुमान अपना हो जाया करता है। जितना झुकोगे उतना दुनिया के दिलों में राज करोगे। एक बात याद रखना, कीमती से कीमती पायल, पायल जानते क्या बोलते हैं, पायल ही बोलते हैं ना, ठीक है, पायल में ही सब घायल हैं, क्या कर सकते हैं। कितनी भी कीमती पायल हो, कितनी भी महंगी पायल हो, कितनी भी बड़ी और सुंदर हो, वजनदार पायल हो, लेकिन जब भी पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है, और 1 रुपए की छोटी सी बिंदी माथे पे लगाई जाती है, क्योंकि वो बिंदी बहुत छोटी हुआ करती है। बिंदी माथे पे चढ़ती है, पायल पैरों में जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं मंदिर गया, राजा बाजार के मंदिर, शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने, एक बहुत बड़ा सा घंटा वहाँ पर लगा हुआ है। मैंने क्या देखा, एक पुजारी पूजा कर रहा है, छोटी सी घंटी लिए हुए है। मैंने घंटे को देखा और घंटी को देखा, दोनों में संवाद चल रहा था। घंटा बोला, यार मुझे लटका के क्यों रखा जाता है, मुझे दरवाजे पर क्यों लटका देते हैं, और ये घंटी तो इतनी सी है, तू भगवान के पास क्यों जाया करती है।
तू तो बहुत छोटी है, कभी हिंदू मंदिर वैष्णव मंदिर में देखना, पुजारी जब आरती करता है तो घंटी भगवान के पास ले जाता है, वो घंटा जो होता है बाहर लटका रहता है। पूछा कि घंटा तू क्यों बाहर लटका है, घंटी तू क्यों भगवान के पास है, विचार करिए। उसने भगवान से पूछा कि मैं तुमसे दूर क्यों खड़ा हूँ, ये तुम्हारे पास क्यों आती है। भगवान ने इतने ही कहा कि घंटा तू अकड़ में है इसलिए वहाँ लटका है, और ये छोटी है इसलिए मेरे पास आ जाया करती है। इसने अपने आप को छोटा बना लिया है, जो छोटा होगा वो भगवान के निकट होगा।